बुनियादी तौर पे 13वीं तरमीम के तहत आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस मिली वो क्या है कि आप अपना टैक्स खुद कलेक्ट करें, और जब से ये मिली हर साल 1.25 अरब का इजाफा हो रहा है, इस दफ़ा 1.5 अरब का हुआ। और लेकिन हमारा जो टारगेट है आज़ाद कश्मीर में 85 से 100 अरब का टैक्स इकट्ठा हो सकते हैं, वो पहले कश्मीर कौंसिल करती थी, अब आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट कर रही है, तो उसका ख़त्म करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि आप अपने लोगों के अंदर इस वक्त आज भी वहाँ पे वो टैक्स चोरी हो रहा है। मैं आपको बताऊँ कि अरबों रुपये में चोरी हो रहा है, चूँकि अब आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को इख्तियार मिला है, कोई बाहर से तो नहीं चोरी करता, लोकल लोग चोरी करते हैं, खुद कमाते हैं, रियासत कैसे चलेगी, वेलफेयर कैसे करेगी। तो 13वीं तरमीम के तो खात्मे का सवाल ही पैदा नहीं है ना कि आप अपने टैक्स के इख्तियार, आप कहेंगे कि जी आप टैक्स ना करें, ये तो हो नहीं सकता। 13वीं तरमीम अपनी जगह पे अपनी एज इट इज जो उसकी स्पिरिट, लेटर और स्पिरिट के साथ मन ऑन कायम और दायम रहेगी, उसको कोई नहीं छेड़ेगा। कि जी आज़ाद कश्मीर में ये किसी लेवल पे पॉलिटिकल बात ही नहीं हुई। मेरे साथ चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे सेक्रेटरी ला को बुलाया गया था वफाक में, जो हमारे वहाँ पे एडवाइज़र हैं कश्मीर अफेयर्स के और गलगित के, कमर कायरा साहब, उनके पास उनके स्टाफ के साथ उनकी मीटिंग थी, और वो सेक्रेटरी लेवल पर 2 मीटिंगें हुई हैं। पॉलिटिकल पार्टी सदर रियासत के साथ मेरी बात हुई है, उसमें PMLN, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, ये वो पार्टियाँ जिनकी वहाँ पर स्ट्रेंथ है। इन तमाम पार्टियों के मेम्बरान इकट्ठे होकर पहले अपना लायामल तय करेंगे, फिर उसके साथ वफाके पर बैठेंगे, तो वो वही चीज़ होगी जो इन्होंने करनी है। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि किसी और लांजे में पढ़ने के बजाय वजीरों और मशीरों का तयन करेंगे कितने होने हैं, बाकी को आपके आईन में कोई खतरा नहीं है। रियासत को क्यों खतरा है? ये रियासत पाकिस्तान की फसील है, और पूरी कौम 24 करोड़ कौम जो है इस रियासत के लिए जो जज्बात रखती है, जब आप जाके देखते हैं तो ये ऐसी मतलब फजूल बातें करने के, आज़ाद कश्मीर की रियासत लोगों के दिलों में बस रही है पूरी 24 करोड़ कौम में। रियासत क्यों ख़त्म होगी? रियासत का जो आपका इंतजामी स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ रहेगा। हम पाकिस्तान की बुनियादी इकाई हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की रियासत है, ये इसी तरह रहेगी। आखिरी सर सवाल ये